मेरा नाम अविनाश है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मेरा पूरा परिवार असल में कर्नाटक के एक बहुत ही अंदरूनी गांव से आता है, लेकिन मेरा परिवार 50 साल पहले माइग्रेट होकर दिल्ली आ गया था। मैं या मेरे पिता में से कभी कोई गांव नहीं गया था, पर 7 साल पहले 2015 में बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी कल्याणी प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें कल्याणी की अच्छी सेहत के लिए उसे शुद्ध वातावरण में ले जाना चाहिए। तो हम सब ने सोचा, हमारे गांव से शुद्ध वातावरण तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने हमारे कर्नाटक वाले गांव में जाने का फैसला किया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला हमारी जिंदगी तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफर के बाद हम रात को गांव पहुंचे। उस चांदनी रात में गांव बहुत सुंदर लग रहा था, वहां एकदम शांति थी। गांव पहुंचने के बाद कल्याणी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि ये खुशी कुछ घंटों की थी। 7 महीने पहले हुई मां की मौत के बाद पिताजी भी पहली बार बाहर निकले थे। मैंने गांव का घर खोला और कल्याणी और पिताजी को घर के अंदर कमरे में बैठाया। मैं जैसे ही गाड़ी से सामान लेकर कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा नीला पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक पापा को क्या हो गया है। कल्याणी ने मुझे जल्दी से पापा को अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल गांव से बाहर शहर में था और मैं उस हालत में कल्याणी को अकेले घर नहीं छोड़ना चाहता था, पर कल्याणी की हालत ज्यादा ट्रेवल करने लायक भी नहीं थी। कल्याणी ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा को लेकर जाने को कहा। मैं पापा को गाड़ी में बैठा कर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने पापा को पूरी रात अस्पताल में ही भर्ती रखा। जरा सा बीपी लो होने के कारण वो बेहोश हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़वाकर घर ले जाकर आराम करवाने को कहा। मैंने कल्याणी को रात भर फोन करने की कोशिश की, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं अगले दिन सुबह जब पापा को लेकर घर गया तो जो मैंने देखा वो बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि कल्याणी कमरे के कोने में खड़ी है और दीवार की तरफ मुंह कर दीवार को अपने नाखूनों से खुरोच रही है। ये देखते ही मैं अंदर से कांप गया। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, उसने दीवार खुरचना बंद कर दिया और वो मेरी तरफ मुड़कर पापा के बारे में पूछने लगी, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं डरते हुए धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि ये शायद थकान का नतीजा है, तो मैं कल्याणी को कमरे तक लेकर गया और उसे अंदर सुला दिया। फिर मैंने डॉक्टर को फोन करके सब बताया तो डॉक्टर ने भी कल्याणी की हरकतों को, थकान और स्ट्रेस बताकर कल्याणी का खास ध्यान रखने को कहा। अगले 3 दिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कल्याणी बेडरूम में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब उसे ढूंढते ढूंढते मैं बाहर आंगन में पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि कल्याणी छत के कोने की तरफ उल्टी चल रही थी और वो साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि एक गलत कदम और कल्याणी सीधा छत से नीचे गिर सकती थी। और ये देखकर मैं कल्याणी को जोर जोर से बुलाने लगा, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। डर से मैं भागकर छत पर गया और कल्याणी को चिल्लाकर बुलाने लगा, पर मानो जैसे कल्याणी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और अचानक ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसके पास गया और मैंने देखा कि उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह काफी डरी हुई थी और उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी और कल्याणी रोते हुए एक ही बात कहे जा रही थी कि वह मुझे और हमारे बच्चे दोनों को मार डालेगी। और कल्याणी की ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और कल्याणी के ये कहते ही मैं ये समझ गया कि ये थकान नहीं किसी बुरे साए का नतीजा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते कल्याणी का शरीर पूरा गर्म होने लगा था। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आधी रात में ही गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाया। मैंने कल्याणी को कमरे में बेड पर लिटाया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो आए तो मैं उन्हें लेने बाहर गया, लेकिन जब मैं और पंडित जी अंदर आए तो हमने देखा कि कल्याणी बेड पर नहीं थी। हम दोनों फिर से उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, पर कल्याणी कहीं नहीं मिली।
जब मैं बेडरूम वापस आया तो मेरी नजर कमरे की अलमारी के ऊपर गई और मैंने जो देखा मेरा दिल दहल गया। कल्याणी अपने पैरों को सिर में दिए उसी अलमारी के ऊपर बैठी थी। पंडित जी भी उसे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन मैं कल्याणी को अकेले नहीं छोड़ सकता था और पंडित जी की बात भी नहीं टाल सकता था। लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, कल्याणी ने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि कल्याणी की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी था। इससे पहले कि हम दोनों में से कोई कुछ करता, उसने वही चाकू अपने पेट में जोर जोर से मारने लगी और चाकू मारते हुए वो जोर जोर से हंसे जा रही थी। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और ये सब देखकर मुझे कोई होश ही नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, मैं सुन पड़ गया था। पंडित जी ने मुझे कल्याणी से दूर किया और जल्द से जल्द बाहर जाने को कहा और हम दोनों बाहर आ गए। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि करीब 30 साल पहले एक लड़के ने छोटी जाति की लड़की से शादी की थी। शादी के एक साल बाद उनको बच्चा भी होने वाला था, पर उस लड़के के घर वालों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उस लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तब से लेकर आज तक हम गांव में कभी भी किसी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि उसी लड़की की आत्मा किसी को भी मां नहीं बनने देता। ये सब सुनकर मैं तड़प तड़प कर रोया। मेरी जिंदगी उस एक हफ्ते में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मैं अब भी हर रोज अफसोस करता हूँ कि मैं कल्याणी को उस गांव में लेकर क्यों गया। अगर मैं उसे लेकर नहीं जाता तो आज वो मेरे साथ होती। आज भी मैं रोता हूँ